हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड। मैंने लिया है यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर, जो वनीला फ्लेवर है। उसके लिए मैंने एक एप्पल लिया है, एक मैंने अनार लिया है, दो मैंने यहाँ पे केले लिए हैं, थोड़े 8 से 10 मैंने यहाँ बादाम रखे हैं, थोड़े से मैंने पिस्ता लिया है, आधा कप मैंने यहाँ पे चीनी रखी है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। थोड़ा सा दूध मैं आधा कप इसमें दूध निकाल लेती हूँ और बाकी मैं बॉईल करने रख देती हूँ। अब इसको मैं उबाला आने तक दूध को अच्छे से गर्म करूंगी। जो मैंने ये फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स लिए हैं, ये मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है। अभी दूध हमारा उबलने वाला है। दूध हमारा उबल गया है। अब इसमें हमने जो चीनी ली थी वो इसमें हम डाल देते हैं। चीनी डाल के हम अच्छे से इसको पका लेंगे। ये मैंने 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसमें मैंने जो ये दूध रखा था, ठंडा दूध, ये मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल लेती हूँ। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। मैं इसको अच्छी तरीके से घोल लिया है। इसको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से घोलना है, इसमें बिल्कुल भी गुटके ना रहे। इसको गर्म दूध में नहीं घोलेंगे, अगर इसमें गर्म दूध में घोलेंगे हम तो इसमें गिल्टियां पड़ जाएंगी। ये हमने दूध में चीनी डाल के पका लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको जैसे हिलाते रहेंगे। देखो, मैंने इसको डाल के अच्छे से हिला दिया है। गैस को हम सिमी रखेंगे। अभी हमारा कस्टर्ड अच्छे से गाढ़ेपन में चेंज हो गया है और मैंने इसमें कस्टर्ड अच्छे से डाल के हिला लिया है। ये गाढ़ा हो गया है। अब इसमें भी उबाला आ रहा है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ये हमारा कस्टर्ड बहुत गर्म है, इसे मैं थोड़ा ठंडा करके इसको मैं 1 से आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में या फ्रीजर में रख दूंगी। इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये गर्म है अभी। मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट गर्म में डाल देती हूँ, बाकी हम ऊपर से डालेंगे। हमारा ठंडा हो गया है। हम जब भी कस्टर्ड ठंडा करें तो आप इसे ढककर ही ठंडा करें, वरना इसमें मलाई आ जाएगी मोटी सी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अब ये मैं इसमें जो मैंने सारे फ्रूट्स काटे थे मैं केले इसमें डाल देती हूँ। बादाम पिस्ता लिए थे, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। मैं इसको अच्छे से हिला के फ्रिज में रख दूंगी। इसको अगर आपको जल्दी खाना है तो आप इसे फ्रीजर में रख दें, अगर आपको लेट चाहिए तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगता है। बनके हमारा बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, बिल्कुल ठंडा हो गया है कस्टर्ड हमारा। देखो, अच्छे से गाढ़ा हो गया है। चीनी वगैरह मैंने इसमें पहले ही डाल दी थी। चीनी हमें दूध के साथ ही डालनी है, अगर हम बाद में डालेंगे तो कस्टर्ड हमारा पतला पतला पानी छोड़ देगा। इसमें मैं थोड़ी सी टूटी फूटी डाल देती हूँ, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है टूटी फूटी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। बाय बाय।